सीबीआई ने इलेक्शन तरमीम एक्ट सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने की दरख्वास्त दायर कर दी। अहम खबर आपको दे रहे हैं, तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन तरमीम एक्ट सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया, दरख्वास्त दायर कर दी गई है। पिछला रोज कौमी असम्बली और सैनेट ने इलेक्शन एक्ट में तरमीम जो है उसका बिल मंजूर किया था। तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन तरमीम एक्ट सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दी है। तहरीक इंसाफ को मखसूस नशिस्तें देने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ इलेक्शन कमीशन आज नजरसानी अपील दायर करेगा। इलेक्शन कमीशन की कानूनी टीम ने नजरसानी अपील तैयार कर ली है। अमरीका की अदालत ने सियासतदानों पर हमलों की मुमकिन साजिश के इल्जाम में पाकिस्तानी शहरी पर फर्द जुर्म आयद कर दी। अमरीकी मीडिया के मुताबिक आसिफ मर्चेंट पर अगस्त या सितम्बर में न्यूयॉर्क जाकर किराए के कातिल के साथ मिलकर कत्ल की मनसूबाबंदी का इल्जाम है। 46 साल पाकिस्तानी शहरी आसिफ मर्चेंट के ईरानी हुकूमत से मुबैना रवाबित हैं। आसिफ मर्चेंट का ताल्लुक कराची से है, कई मरतबा ईरान, शाम और इराक के दौरे कर चुका है। व्हाइट हाउस ने आसिफ मर्चेंट की ट्रंप पर हमले में मुलविस होने की तर्दीद कर दी। तर्जमान व्हाइट हाउस ने कहा कि आसिफ का ट्रंप पर कातलाना हमले से कोई ताल्लुक नहीं। आसिफ मर्चेंट ने एक शख्स के घर से USB चोरी करने की बात की है। ट्रंप पर कातलाना हमले में कोई पाकिस्तानी मुलविस नहीं है। अमरीकी अखबार ने हेडलाइन में आसिफ मर्चेंट का ताल्लुक पाकिस्तान से जोड़ दिया, तफसीली खबर में तर्दीद कर दी, कहा सबूत नहीं मिले। अमरीका में सियासतदानों के कत्ल की मुमकिन साजिश के इल्जाम में पाकिस्तानी शहरी आसिफ मर्चेंट की गिरफ्तारी का मामला। दफ्तर खारजा की तर्जमान मुमताज जहरा बलोच कहती हैं अमरीकी हुकाम के साथ राबते में हैं और मजीद तफसीलात का इंतजार है। मीडिया रिपोर्ट्स देखी हैं, अमरीकी अहदेदारों ने कहा है कि मामले की तहकीकात जारी है। पहले आसिफ मर्चेंट के माजी से मुतालिक मालूमात की तौसीक चाहते हैं। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत पेशी के मौके पर अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा कि किसी के साथ कोई मुजाकरात नहीं हो रहे। मुल्क में ताज़ा इलेक्शन हमारा वाहिद मुतालबा है। हसीना वाजिद तो भारत चली गई थी, लेकिन इधर से शहबाज शरीफ और मरियम के लिए हेलीकॉप्टर नहीं जाएगा। जो एक्ट पास किया गया है मुकम्मल गलत और मनफी है। एक्ट सिर्फ तहरीक इंसाफ का रास्ता रोकने की भोंडी कोशिश है, मनफी एक्ट को हर जगह चैलेंज करेगी। एक बादशाह बाकी वजीर मोहरे कौन कौन? सहाफी मजहर अब्बास ने सारा मामला सुलझा दिया। सहाफी मजहर अब्बास के मुताबिक इमरान खान फौज से मुजाकरात चाहते हैं। वो मुकम्मल तौर पर यकीन रखते हैं कि उनकी पार्टी को अगर रिलीफ मिल सकता है तो सिर्फ वहीं से। बज़ाहिर वो फौज से बातचीत बराह रास्त करना चाहते हैं। इमरान ये समझ रहे हैं कि अगर फौज से उनकी बातचीत शुरू होती है तो उन्हें फिर सियासी जमातों से मुज़ाकरात की जरूरत नहीं रहेगी। अडयाला जेल का कैदी नंबर 804 इस नतीजे पर पहुंच चुका है कि इस वक्त मुल्क में दो ही सियासी कुव्वतें हैं, PTI और फौज। होशियार, खबरदार, 14 को नया सरप्राइज तैयार। सहाफी इमरान रियाज ने PTI का आने वाला मंसूबा लीक कर दिया। सहाफी इमरान रियाज खान के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक और सरप्राइज तैयार है। 14 अगस्त को जो सरप्राइज आ रहा है, हुकूमत इस बारे में सोच भी नहीं सकती। हुकूमत रोकने की कोशिश करेगी तो फंसेगी, नहीं रोकेगी तो फंसेगी। एक बड़ा काम होने जा रहा है, उसके असरात सामने आएंगे। अब भी वक्त है बानी PTI के एस्टेब्लिशमेंट को फिर पेशकश। अडयाला जेल से इमरान खान का नया बयान आ गया। इमरान खान ने अडयाला जेल में वुकला के पैनल से अहम मुलाकात की। इस मौके पर उन्हें केसेस में पेशरफ के हवाले से बताया गया। बानी PTI को वुकला ने सवाबी जलसे की कामयाबी से मुतालिक भी आगाह किया, जिस पर इमरान खान ने कहा कि वो सवाबी जलसे में बड़ी तादाद में शहरियों की शिरकत पर लोगों के मशकूर हैं। इमरान खान बोले कि 8 फरवरी से पहले जितना भी जुल्म हुआ उस पर लोग खामोश रहे। फिर 9 मई को जो बयानिया बनाया गया उस पर जवाब अवाम ने इलेक्शन में दिया। धांधली ज़दा इलेक्शन पर अवाम को शदीद गुस्सा था। इमरान खान 2 माह पहले रिहा हो चुके थे, लेकिन किसी रहनुमा के बयान ने सारी गेम खराब कर दी। एंकर पर्सन मंसूर अली खान ने अहम इंकशाफ कर दिया। एंकर पर्सन मंसूर अली खान ने अपने व्लॉग में गुफ्तगू करते हुए एक सीनियर सहाफी का हवाला दिया। उन्होंने खबर को कोट करते हुए कहा कि सहाफी के मुताबिक इमरान खान आज से 2 माह पहले रिहा हो चुके थे और ये खबर उन्होंने अली अमीन गंडापुर के जराये से दी। एंकर पर्सन के मुताबिक अली अमीन गंडापुर ने अपने कुछ खास लोगों को बताया कि आज से 2-2.5 माह पहले इमरान खान रिहा होकर बनीगाला पहुँच चुके होते, मगर फिर ऐसा बयान आया कि सब गेम उलट गई। हमें इमरान खान पर गुस्सा आता था। PTI रहनुमा शानदाना गुलजार के बयान ने नया पेंडोरा बॉक्स खोल दिया। सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए शानदाना गुलजार ने कहा
कि इस वक्त कुर्सियों पर जरदारी और शरीफ खानदान बैठा है, लेकिन इज्जत उसकी है जो जेल में बैठा है। इमरान खान दुनिया का लीडर है। शानदाना गुलजार ने कहा कि बांग्लादेशी वजीर आजम ने ताकत के नशे में गलतियां की, पाकिस्तान में भी वही गलतियां दोहराई जा रही हैं। इमरान खान जेल से यही कहता है कि मैं मुआफ कर दूंगा, लेकिन यहाँ उल्टा इमरान खान से कहते हैं कि मुआफ़ी मांग लें। वो कैसे मुआफ़ी मांगे जो जुर्म उन्होंने किया ही नहीं। शर्म का मकाम है। सुप्रीम कोर्ट ने जब कह दिया है तो उसके फैसले पर अमल दरामद नहीं हो रहा, जो आईन में है वो हो कर रहेगा। याह्या अस्तंवार हमास के नए सरबराह बन गए। मुजाहमती तंजीम के सरबराह से अमरीका खौफजदा क्यों? अहम तफसीलात सामने आ गयी। हमास के एलामिया के मुताबिक इस्माइल हनिया की शहादत के बाद अब याह्या अस्तंवार हमास के सियासी दफ्तर की सरबराही करेंगे। याह्या अस्तंवार इससे कबल गजा में हमास की सरबराही कर रहे थे। 19 अक्टूबर 1962 को खान यूनुस के एक कैंप में आग खोली। याह्या अस्तंवार की शादी में ताखीर की बड़ी वजह उनकी मुसल्ला जिदोजहद और तवील गिरफ्तारी रही। बांग्लादेश में अबूरी हुकूमत तश्कील दे दी गई। डॉक्टर मोहम्मद यूनुस अबूरी हुकूमत के चीफ एडवाइजर होंगे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अबूरी हुकूमत के क्याम का फैसला इवान सदर में मुशावरती इजलास में हुआ। इजलास में तीनों मुसल्ला पाज के सरबराहान और तलबा तहरीक के रहनुमा शरीक थे। गुज़श्ता रोज तलबा तहरीक के मुतालबे पर बांग्लादेशी सदर ने पार्लियामेंट तहरीक कर दी। इंदिरा गांधी सकाफती मरकज हिंदुत्व को आग से मुकम्मल तौर पर जलाकर खाकस्तर कर दिया गया। सकाफती मरकज खंडरात के सिवा कुछ नहीं बचा। भारतीय मीडिया के मुताबिक मुश्तर हजूम ने ढाका में वाके इंदिरा गांधी कल्चरल सेंटर और बंगा बंधु मेमोरियल म्यूजियम में भी आग लगा दी। मस्कुरा म्यूजियम हसीना वाजिद के वालिद शेख मुजीबुर रहमान की याद में तामीर किया गया था। कल्चरल सेंटर में सेमिनार्स, वर्कशॉप, भारतीय माहरीन प्रोफेशनल्स और योगा ट्रेनर से मसरूफियात की तरबियत शामिल। यही वो गलतियाँ हैं जो हसीना वाजिद ने की। सलीम साफी ने हुकूमत को खबरदार कर दिया। सलीम साफी ने अपने कॉलम में लिखा कि शेख हसीना वाजिद के अंजाम से चंद सबक मिलते हैं, बशर्तिया के कोई हासिल करना चाहे। इक्तदार की ताकत और रियासती जबर के जरिए कुछ अरसे के लिए तो अवाम को दबाया जा सकता है, लेकिन ज्यादा देर तक ऐसा करना मुमकिन नहीं। अवामी फलाह बहबूद की बजाय जो हुक्मरान अपने इक्तदार को मुखालफिन को दबाने के लिए इस्तेमाल करेगा उसका अंजाम अच्छा नहीं होगा।